विपक्षी पार्टियों की बैठक बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज जी, कई पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि तोड़ने वाले जोड़ने की बात नहीं कर सकते और इस वजह से सारा विपक्ष उनके साथ है। कुछ नहीं होना है, ये लोग गए हैं, एक इवेंट है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, अच्छे व्यंजन खाएंगे, वहाँ से लौटेंगे, हाथ से हाथ मिलेंगे, दिल मिलने वाले नहीं हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, सिर्फ बिहार में पल भर के लिए इकट्ठे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। इस बैठक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और ममता जी एक साथ नहीं आ सकते, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ बैठ तो गए हैं, संसद में भी एक साथ बैठ जाते हैं, उसी तरह वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं और कुछ बात नहीं है। बैठक से पहले ही अध्यादेश को लेकर अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मतभेद नजर आया और केजरीवाल इस वजह से उन्होंने समर्थन नहीं किया इस बैठक का। नहीं, वो पूरी तरह मतभेद बहुत हैं इन लोगों के बीच में, सिर्फ नीतीश कुमार जी के बुलावे पे चले गए हैं, पीछे से सारी चाबी कांग्रेस पार्टी की, सबको पार्टी को पता है कि कांग्रेस पार्टी ये बैठक प्रायोजित करा रही है, नीतीश कुमार तो एक माध्यम है। क्या लगता है 2024 तक ये एक प्लेटफॉर्म पर रह पाएंगे जितनी पार्टियां आज एक जगह पर जुड़ रही हैं? नहीं, ये 2024 तो बहुत है, ये 3 महीने भी साथ नहीं रह पाएंगे, ये तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव में ही अलग अलग दिखेंगे, ये तो कहने की बात है कि ये इकट्ठे हैं। शिवसेना जो पहले हिंदुओं की बात करती थी और आज शिवसेना के जो उद्धव गुट के नेता हैं उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा की लंबी सहयोगी रही है शिवसेना। वीर सावरकर को आदर्श मानने वाले, वीर शिवाजी को आदर्श मानने वाले और वीर सावरकर को गाली देने वाले राहुल गांधी दोनों साथ बैठे हुए हैं, ये पूरे देश की जनता देख रही है। जिन लोगों ने जेपी आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था वो भी आज इस बैठक में है कांग्रेस के बुलावे पर या कहें जेडीयू के बुलावे पर? नहीं, वो जेडीयू के बुलावे पे वो गए हैं, नीतीश कुमार जी को जेपी सेनानी का पेंशन क्यों बांट रहे हैं? वो कांग्रेस के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको पेंशन भी दे रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर की तरह आज उसी कांग्रेस के गोद में सब लोग मिलकर बैठ गए हैं, तो ये तो बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है उनसे। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये अभी एक मंच पर आए हैं लेकिन 2024 तक ये एकता नज़र नहीं आएगी। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।